आप जो है ना कम से कम इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लिया करो। जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग मैं करता हूँ, विगत 8-9 महीने से मेरा एक प्रयोग चल रहा है कि मैं सुबह जो है ना 8:30 बजे खाना खाता हूँ, 8:30 से 9 बजे तक, ठीक है, और 1:30 से 2 बजे तक खाना खाता हूँ, और फिर उसके बाद कुछ नहीं खाता, सिर्फ पानी पीता हूँ। और सुबह नाश्ता में क्या लाता हूँ, सुबह खाता क्या हूँ मैं, उबला हुआ गाजर, उबला हुआ टमाटर, उबला हुआ चुकंदर, ठीक है, और 6-7 बादाम है, अखरोट है, ये सब जो है रहता है, नहीं उस समय नमक नहीं लेता हूँ, दोपहर में नमक लेता हूँ। तो ये ध्यान रखो कि भाई, और उससे मैं खूब डट कर एक्सरसाइज करता हूँ, डट कर पढ़ता हूँ मैं, मेरी लिखी 25 पुस्तकें हैं, रात रात को मैं जो है पढ़ता हूँ, रात में मैं लिखता हूँ, दिन में रोगियों को देखता हूँ, क्योंकि पढ़ना और लिखना मेरा आनंद है, मेरा सुख है। जो नींद में मुझे ताजगी मिलती है और लिख करके ताजगी मिलती है, पढ़ करके पूरे विश्व का रिसर्च पढ़ता हूँ, तो आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे उसको सरल से सरल भाषा में, ताकि आपके दिमाग में घुस सके और उस सत्य को प्रमाणित कर सको, जीवन में सरदा सतम, तो 100 साल तक आप जिंदा रहो, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, तो उपवास करना तो पानी पर करना, उपवास तोड़ना तो लिक्विड डाइट पर तोड़ना चाहिए, और फिर उसके बाद ठोस आहार पर धीरे धीरे आना चाहिए, जैसे 9 दिन 10 दिन का। देखो हमने हमारे यहाँ पर योगग्राम में एक मॉरिशस का लड़का आया था, उसको हमने 50 दिन तक सिर्फ पानी पर रखा, ओनली ऑन वाटर, कुछ भी नहीं दिया, और इतना अच्छा हो गया, जब उसका फोटो उसके घर पर भेजा गया उसके इसके द्वारा, तो घर वाले पहचान नहीं सके कि, लेकिन उसकी बोल रहा था ना तो पहचाने लोग, तो उन्होंने कहा कि तू ही है, ये तो जानकर के बड़ा अद्भुत लग रहा है कि तेरा पूरा कायाकल्प ही बदल गया, तुम्हारा पूरा डिजाइन ही चेंज हो गया है, ये ऐसी जगह है ये योगग्राम जो पूरा डिजाइन जो है पूरा कायाकल्प कर देता है, रिफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तो ये उपवास जो है ना अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है, इसलिए जो है। और मैं कल बताया था स्वामी जी, मैं 73 साल का हो गया और मैं सारे काम करता हूँ, रोगियों को देखने से लेकर के अपना लेखन पठन सब जो है चलता है मेरा। यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, बिकॉज यू ऑल आर इन द क्रिएशन ऑफ गॉड। अब परमात्मा के आप लोग अनुपम कृति हो, अद्वितीय रचना हो प्रकृति के, यूनिक क्रिएशन ऑफ नेचर। तो आप में इतनी क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये आपके उपवास के विषय में हमने थोड़ी चर्चा की, आकाश तत्व के विषय में पूरा साइंटिफिक चर्चा की, 3 दिन का मेरा ये कार्यक्रम होता है उपवास पर से, तो संक्षिप्त रूप से आपको बताया। उसी प्रकार से जल का प्रयोग, जल का प्रयोग जो है आपके जो है चिकित्सा के रूप में हम करते हैं, जिसमें हम हिप बाथ देते हैं, कटी स्नान देते हैं, स्टीम बाथ देते हैं, सौना बाथ देते हैं, आपके सर्कुलर बाथ देते हैं, आपके जो है जाकोजी देते हैं, आपके बहुत सारे टेक्निक काम में लेते हैं, तो उन सब का प्रयोग जो है आप कर सकते हो। कुछ छोटे प्रयोग कर सकते हो घर पर जाकर के, जैसे मान लो छोटे से प्रयोग, पेट में दर्द होता है तो क्या कर सकते हो, गर्म ठंडा कंप्रेस करो, गर्म ठंडा सेक, कहीं भी दर्द होता है शरीर के अंदर, सबसे बढ़िया उपचार क्या है, गर्म ठंडा सेक, एक भगोना खूब गर्म पानी लो, एक भगोना खूब ठंडा पानी लो, और कैसे सेक करोगे, देखो ये
समझ लो कि ये तौलिया है, क्या है? तो रोएदार तौलिया लेना, रोएदार समझ रहे हो ना, खूब गर्म पानी होना चाहिए, और गर्म पानी में ये डुबोया, ऐसे डुबा दिया, और फिर ऐसे ऐसे रखो, निचोड़ दो अच्छी तरह से, फिर निचोड़ करके, और फिर जहां भी दर्द हो रहा है महात्मा, ऐसे ऐसे करना ताकि हमारा वहां का जो हिस्सा है ना उसको एडप्ट कर सके, यानी वह अनुकूलन क्षमता विकसित हो जाए जिससे वो जले नहीं वह अंग, ठीक है, जो खूब उबलता हुआ पानी में डुबाया है ना, फिर इसको यहां रख दिया और ऊपर से सूखे तौले से ढक दिया। हाँ ठीक, 3 मिनट घड़ी से देख करके रखा। फिर दूसरा, खूब ठंडा पानी, बर्फ का पानी हो, डुबोया और डुबो करके निचोड़ा और यहां रख दिया, ठीक है। तो ये जो है ना गरम ठंडा 3 से 4 बार अल्टरनेटिव, तो कैसा भी दर्द होगा ना, दर्द में तुरंत राहत मिलेगा, चाहे सिर का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे कान का दर्द हो, चाहे नाक का दर्द हो, चाहे कहीं का दर्द हो, क्योंकि घुटने का दर्द में भी राहत मिलेगी। और ये इसमें जो है ना, क्योंकि आप दर्द की दवा खाते हो ना, किसी प्रकार की दवा क्यों ना हो, 2 प्रकार की दवाइयां मिलती है, पेन किलर होता है, एक होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। हर दवा का एक सबसे खतरनाक प्रभाव यह पड़ता है कि हमारे पेट की जो ऊपर की लाइनिंग होती है, ऊपर की जो यानी जो हिस्सा होता है, वो दवा से बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो ऐसे लोग जो पेन की दवा खाते हैं उनको क्या होता है, पेट की गड़बड़ी होती ही है, पेट की दिक्कत होती ही है, पेट सूज जाता है, पेट का इन्फ्लामेशन हो जाता है, इंजुरी हो जाती है, इन्फेक्शन होने लग जाता है। इसलिए इसे जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? उसी प्रकार से कहीं मान लो चोट लग जाता है, जल जाता है, कट जाता है, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, खूब ठंडा पानी, जैसे बर्फ का पानी लिया और उसको डुबा दिया, और डुबा करके निचोड़ करके, और जहां भी ये है, जहां भी हो रहा है ना, जहां तकलीफ है, तो वहां पर जो ना उससे हम शिकायत करेंगे। एक प्रयोग है इंटरनेशनल लेवल पर, विश्व के माने हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि कहीं मान लो चोट लग जाता है, कहीं मोच आ जाता है, कहीं जल जाता है, तो क्या करना चाहिए। राइस एंड माइस एक सूत्र दिया है, राइस एंड माइस, तो राइस का RICE, राइस में चावल मत समझ लेना, ये तो आपको फार्मूला दे रहा हूं। R से होगा रेस्ट, जो अंग में चोट लगी है, जो उस अंग में पीड़ा हुई है, जिस अंग में एक्सीडेंट हुआ है, उसको क्या करना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। फिर आई से आइस, बर्फ, और सी से कंप्रेस, यानी बर्फ का कंप्रेस करना चाहिए। ई से एलिवेशन, उसको ऊपर उठा कर रखना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ऊपर उठा करके, तो ये बहुत चमत्कारी का लाभ मिलता है। राइस माइस, चोट लग जाए कहीं भी, तो बर्फ की सिकाई कैसे करोगे, देखो ऐसे कपड़ा ले लो, ठीक है ना, ठीक है, अब उसको कूट देंगे, किसको, बर्फ को, और इसको बिछा देंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे इसको इधर से कर दिया, इधर से कर दिया, इधर से कर दिया, इधर से कर दिया, समझ में आ गई, और फिर इसकी सेक करेंगे। ये तरीका है, साइंटिफिक तरीका है, बर्फ से सीधे सेक करोगे तो त्वचा जो है ना जलने की संभावना रहेगी, खराब होने की संभावना रहेगी, तो इस प्रकार से जो है ना सेक करेंगे, कैसे, बर्फ से, तो बर्फ से कहीं करेंगे, दर्द होता है, कहीं चोट लग जाती है,
इसी प्रकार से देखो, पेशाब में जलन हो जाती है, पेशाब उतर नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो जाती है। ऐसे एक एग्जाम्पल मैं प्रायः देता हूँ कि एक बार एक बच्चा मेरे पास लाया गया, बीच में मेडिकल कॉलेज पढ़ता था मैं, उन दिनों अजमेर में था और बीच में जेएलएल मेडिकल कॉलेज। 5-6 लोग सुबह सुबह 6 बजे आ गए, मैं योग करा रहा था उस समय, और बड़े जो है बीच में नहीं गए, लेकिन उनकी आस्था विश्वास हमारे प्रति ऐसा था कि उसी से लेकर आ गए, और पेशाब उसका कम से कम 48 घंटे से रुक गया था। बच्चा चिल्ला रहा था जोर जोर से, पेशाब उतर नहीं रहा था। फिर हमने जो है ना, अब वो लेकर मेरे पास आ गया, अब मैं सारा योग का काम दूसरे किसी को दे करके मैं नीचे आया। फिर उस समय मेरे पास बर्फ भी नहीं था, तो हमने क्या किया, यदि बर्फ नहीं हो तो क्या करना चाहिए, ये तरीका मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये तौलिया है ना, भिगो दो पानी में और दोनों किनारे पकड़ करके खूब हवा में ऐसे ऐसे झटको, तो कैसा हो जाएगा, बर्फ की माफिक ठंडा हो जाएगा खूब जोर से, ऐसे ऐसे। और फिर उसको जो है ना, हमने ये करके एक तौलिया, खूब मोटा तौलिया था, तो उसको जो है भिगो करके और क्या रख दिया, नाभि के नीचे पेशाब के जगह, और 5 मिनट में नहीं हुआ, खुल करके पेशाब हुआ, बच्चा बेचारा उसके बाद पेशाब करके आराम से सो गया। तो ये जो है ना, कभी कभी बड़े चमत्कारिक लाभ होता है इससे, तो ऐसी स्थिति में ये प्रयोग कर सकते हैं। जब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है ना, एक तो पानी पर्याप्त मात्रा में पिया करो, ताकि जो है ना ये नहीं हो। देखो सुनो मेरी बात, जैसे हम साग सब्जी फल इत्यादि खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलेट होता है, फाइटेट होता है, फॉस्फेट होता है। तो जो लोग पानी कम पीते हैं ना, तो जा करके यानी किडनी में, आपके ब्लैडर में, यूरेटर में, यूरेथ्रा में, पल्विस में, जो किडनी के अलग अलग हिस्से हैं और पेशाब के यंत्र के, वहाँ जमा हो करके ये तकलीफें पैदा कर सकती हैं। तो इसलिए जो है ना, सबसे जरूरी है कि वो तो खा ही रहे, वो तो शरीर में जा ही रहा है, अब वो जाकर तह पर तह जमा हो करके पथरी पैदा करना शुरू कर देता है। आपने पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हो तो क्या होता है, फ्लो बना रहता है, वो निकलता रहता है पेशाब के रास्ते निकल। जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हीं को UTI होता है, उन्हीं को किडनी स्टोन बन जाता है, उन्हीं को फिर किडनी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मेरी लेटेस्ट बुक आ रही है किडनी, क्योंकि किडनी के रोगी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरा ये है कि सेव योर किडनी, सेव योर लीवर, सेव योर हार्ट, क्योंकि उसको क्यों क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। और छोटी छोटी बातें हैं, यदि ध्यान रखेंगे तो किडनी जो है डिस्टर्ब नहीं हुआ, ना लीवर डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए जो है ना, इसे ध्यान रखो। तो जल चिकित्सा की थोड़ी सी बात बताई मैंने, वायु चिकित्सा का हमने कहा। अब देखो, मैंने कहा जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, वहां कैंसर तक पैदा हो जाता है। तो आहार में तो डॉक्टर सुनो, बहुत ध्यान से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। डॉक्टर योहाना बीज ने आपके क्रोमेटोस्कोपी के द्वारा जो उन्होंने सिद्ध किया कि भाई मात्र अलसी ही है जो वहां ऑक्सीजन को पहुंचा सकता है वहां पर, ये दही में मिलाकर खाया जाता है तो। लेकिन विश्व के महानतम वैज्ञानिक, योग विज्ञानी, परम श्रद्धे पूज्यास्पद हम सबके योग के गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज ने लाखों लोगों तक ऑक्सीजन बढ़ाने का तरीका बताया, बताया क्या? प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कितने लाखों को कैंसर ठीक हुआ है, क्यों हुआ है, ऑक्सीजन का लेवल उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये भी एक तरीका है।
तो उसे मैं कहता हूँ उनको तो भाई नोबेल पुरस्कार दिया, सबसे बड़ा जो है विश्व का महान पुरस्कार जो है उनको रोगियों के आशीर्वाद के रूप में मिलता है उस महान वैज्ञानिक, इसीलिए उस महान वैज्ञानिक की जो है ना इतनी सारी प्रख्यात तो हुए ही हैं। इन संस्थाओं का विकास हो रहा है क्यों, कि सफरिंग नीति के लिए उन्होंने जो कुछ दिया है वैसा आज तक किसी न तो योगी ने दिया न किसी ने घर घर पहुंचाया है। अरे छोटे छोटे बच्चे प्राणायाम करना सीख गए हैं पार्क में बगीचे में। अरे हमारे यहाँ छोटी बच्ची है, मेरे बेटी की बेटी बाहर रहती है विदेश में, उसको जहाँ रामदेव जी का नाम लेते हैं तुरंत शुरू हो जाती है, वो कुछ कहना ही नहीं पड़ता है। तो ये जो है ना ये स्थिति जो है पैदा हो जाता है। तो ये परम श्रद्धे पूज्यास्पद स्वामी जी का ये परम आशीर्वाद लोगों तक जो मिला है वो अपने आप में अपूर्व है, अद्भुत है। आचार्य जी का घर घर पहुंचाया उन्होंने आयुर्वेद को, और कितनी छोटी छोटी बातें हैं उन्होंने, एक एक जो हम आहार खाते हैं बथुआ, अशुभ बथुआ के विषय में चर्चा कर रहे थे हैं कि कैसे जो है किडनी के लिए कैसे जो है शरीर के लिए उपयोगी होता है। तो ये ध्यान रखो ये दो दिव्य महानुभावों ने जो एक जीवन को सशक्त बनाने के लिए स्वस्थ बनाने के लिए जो ज्ञान दिया है वो ऐसी धरा पर आज तक। और सबसे बड़ी बात है मीडिया का हर हमेशा दुरुपयोग ही होता रहा, लेकिन मीडिया का सबसे सुंदर उपयोग किसने किया है, स्वामी जी ने। टीवी मीडिया का इतना अच्छा उपयोग, तो ये भी एक बहुत क्रांतिकारी है जो घर घर पहुंचा दिया योग को। पहले योग क्या था, एक कैद था घेरे में, करिए साधु संतों सन्यासियों का है ये, फकीरों का है ये, उसका है, लेकिन ये आम आदमी के लिए सुलभ किया है। और कितने भयंकर से भयंकर परिस्थितियों से लोगों को मुक्त करने में सहायता की है। तो ये जो है ना पंच महाभूत का वायु स्नान का सबसे बड़ा देन हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी का, उसका उपयोग जो है, और इसके लिए ताली तो बजाओ कम से कम। और आप लोग भी जो है ये स्वामी जी के लिए ताली है, मेरे लिए नहीं बजाना, नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस। तो ये ध्यान रखो कि भाई इस प्रकार से जो ना पंच महाभूतों का, मिट्टी पानी, अब मिट्टी चिकित्सा का कितना अद्भुत है, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा कितनी भयंकर भयंकर बीमारियों से मुक्त करता है। देखो अथर्ववेद में एक मंत्र है, उपस्थ आस्ते अन्मीवा असंभ्यम पृथ्वी प्रसूता दीर्घम न आयु प्रति बुद्धिमाना वयम तुभ्यम बलिहृत श्याम। तो ये जो है इस मंत्र का अर्थ है कि भाई ये मिट्टी जो है कितनी अद्भुत है, अन्मीवा उपस्थ आस्ते अन्मीवा आयक्षमा असंभ्यम पृथ्वी प्रसूता दीर्घम नायु प्रतिबुद्धिमाना भयम तुभ्यम बलिहृत श्याम। यानी मिट्टी में इतने अद्भुत गुण है सुनो कि भयंकर से भयंकर बीमारियां ठीक कर देती है। यहां पर इसी कहता है कि हे माँ पृथ्वी, हे माँ काश्यपी, हे माँ वसुंधरे, हे माँ धरती, हम तुम्हारी यज्ञ के द्वारा हम तुम्हारी सेवा करते रहे, और तू कितनी प्रेममयी है, कितनी स्नेहमयी है, कितनी वात्सल्यमयी है कि हमारे समस्त लोग यहां तक यक्षमा को, टीवी को, इन सबको तू दूर कर देती है। तेरे अंदर इतनी क्षमता, तेरी गोद में हम खेलते हैं और तेरे गोद में खेलने से ये सारी बीमारियां, हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे रेजिस्टेंस पावर, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म इतना मजबूत हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि इन रोगों से हम मुक्त रहते हैं। तो ये जो है ना अब देखो उस समय का वैज्ञानिक कहता है कि टीबी जैसा रोग ठीक हो सकता है। तो आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा
इसे 1952 में एक रशियन यहूदी वैज्ञानिक जो अमेरिका में बस गए थे उनको 1952 में नोबेल पुरस्कार उसके मिला। उन्होंने मिट्टी के कल्चर के द्वारा पहली दवा टीबी की दवा खोज की जिसका नाम था नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये जो है मिट्टी में कितने अद्भुत गुण है, अद्वितीय गुण है और इसका हम खूब प्रयोग करते। आपने देखा होगा ना कभी स्वामी जी का फोटो जो पूरे शरीर पर मिट्टी के लेप लगाए हुए देखा है क्या? तो मिट्टी के लेप जो है कितना अपूर्व है, अद्भुत है। सारे शरीर पेट की बीमारी के लिए पेट की सारी मिट्टी की पट्टी, यानी हर अंग की मिट्टी की पट्टी देते हैं, घुटने की, कमर की, कंधे की, कान की, आंख की, नाक की, सभी अंग, कोई अंग अछूता नहीं। और सब पर माँ का स्पर्श प्राप्त होते ही माँ का स्वास्थ्यमय आनंद आरोग्यदायिनी स्पर्श पाते ही वो अंग जो है खिल उठता है। तो ये ध्यान रखो कि ये अद्भुत है। आप मिट्टी देखो, एक चीज बता दें, देखो उस वैज्ञानिक का नाम था अब्राहम सेलमन वाक्समैन जिसे 1952 में नोबेल पुरस्कार मिला। डॉक्टर अब्राहम अमेरिका में रह गए थे, अमेरिका के निवासी बन गए थे। तो ये अब्राहम सेलमन वाक्समैन जो है ना, उन्होंने ये खोज की और कई अद्भुत प्रयोग किए। अब तो उसके बाद मिट्टी के कई गुणों का भी इसके विषय में चर्चा करें तो घंटों लगेगा। मेरी पुस्तक है अनमोल मिट्टी के बोल, उसमें विस्तार से मिट्टी चिकित्सा के विषय में हमने जानकारी दी हुई है। अनमोल मिट्टी के बोल स्वामी ने कई बताते भी हैं लेक्चर में अपने। जल चिकित्सा पर जल चिकित्सा पुस्तक का नाम ही है जल चिकित्सा, दो भाग में 700 पेज की। और ये हमारी, हमने जो पुस्तक लिखी है मॉडर्न साइंस और एंशियंट साइंस दोनों का मिलन, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उपनिषद, इन सब के जो है ना जो उससे जुड़े हुए आख्यान है, जो उससे जुड़े हुए मंत्र है, उन सबको हमने वैज्ञानिक धरातल पर उतारने का प्रयास किया है चिकित्सा की दृष्टि से। तो सूर्य चिकित्सा हमने कल सूर्य चिकित्सा विषय में चर्चा किया था ना, याद है ना आप लोगों को, वहां किया था। इसलिए उसको हम अग्नि चिकित्सा को छोड़ दिया हमने, पानी चिकित्सा को थोड़ा बता दिया, मिट्टी चिकित्सा को थोड़ा बता दिया। मिट्टी में कहीं भी साफ सुथरी जगह की मिट्टी होनी चाहिए, हालांकि उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले की मात्रा हम देखते हैं। सबसे बढ़िया मिट्टी मानी जाती है तालाब की, पोखर की, ताकि बाहर से जो ना मिट्टियाँ आती हैं और उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स आते हैं और उसकी क्रिएटिव वैल्यू बढ़ जाती है। तो बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। तो इस मिट्टी का प्रयोग जो है ना हमें कर सकते हैं। तालाब की मिट्टी सबसे बेहतर होती है, हम यहाँ मंगाते हैं जंगल की मिट्टी, तालाब होता है ना, जंगल के तालाब होते हैं, वहाँ से मिट्टी हम मंगवाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। चलिए, तो जल, मिट्टी, पानी, धूप, हवा की चर्चा हो गई, प्राणायाम स्वामी जी की, क्योंकि हवा के बिना, और ये पांचों तत्व प्रकृति हमें बिल्कुल फ्री में देती है, किसी के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता है। सूरज के लिए क्या खर्चा है? देखो, हम उस दिन नहीं होंगे जिस दिन सूरज नहीं होगा, क्योंकि जितने भी प्राणी हैं विश्व में सूर्य के कारण जिंदा है। ये मालूम है कि नहीं आप लोगों को है? अरे ये सांस कहां से ले रहे हो? सूरज भगवान से। ये प्राण रात की वायु वायु होती है, जहां सूर्योदय हो जाता है वो प्राण वायु बन जाता है। क्यों बन जाता है? तो सूरज की किरणों से जितने भी जंगल हैं, जो हरे रंग के पेड़ पौधे हैं, हरे रंग के उनके, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट, वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का नाम सुना है आप लोगों ने हैं? जिसे सूरज क्या करता है, मतलब क्या नाम, पौधे सूरज की किरणों को चुरा लेता है और अपने लिए भोजन बनाता है
और अन्य प्राणियों के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। और बिना ऑक्सीजन के देखो 4 मिनट जिंदा रह सकते हो मैक्सिमम, जब हार्ट अटैक होता है ना 4 मिनट में यदि उसको ऑक्सीजन मिल गया तो जिंदा, नहीं तो फिर वो मरा गया। शरीर कितना भी सुंदर, कितना भी अच्छा, कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, फिर वो क्या बन जाता है, शरीर माटी बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं, माटी। और ये सूर्य भगवान की देन है। जितने भी प्राणी हैं विश्व में, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे समुद्री जीव हो, उनमें क्या होता है, फाइटोप्लांकटन होता है समुद्र के अंदर, जिससे उनको ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए ना वायु चिकित्सा कितना उपयोगी है, और उस वायु को शरीर में धारण करने का जो है किसने सरल बनाया है, स्वामी जी ने। 1978 में मैं चिकित्सा प्रभारी था जयपुर में, और मेरा स्कूटर एक्सीडेंट हो गया था बहुत भयंकर। किसी प्रकार से घुटना हमने ठीक किया, हमने कोई दवा नहीं ली। हमें देखो 2 बार एक कार एक्सीडेंट हुआ, एक बार तो हमने कभी कोई दवा नहीं ली उसमें। खैर, तो ये घुटना जो ना, अभी 5-6 साल पहले यहाँ पर मेरे को बहुत दिक्कत हो गई थी, चलना जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इतना भयंकर पीड़ा होती थी। तो जो है ना, मैंने अपने पुस्तक में जिक्र किया था स्टेनले बोस की यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों की रिसर्च रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, और हमने जो है उसी दिन आपके 1.5 घंटा मैं बैकवर्ड वॉकिंग किया और मेरे को 80% लाभ मिल गया। फिर उस दिन से हमारा एक नारा हो गया, और ये हमारा ये हो गया, आंदोलन हो गया। मैं यहाँ भी विदेशों में जाता हूँ, मेरा वर्कशॉप होता है, वहाँ भी मैं बताता हूँ कि भाई बैकवर्ड वॉकिंग आप करो। उसके बाद जो है ना, हमने कई जो है उसमें यूट्यूब पर भी शायद लोगों ने मेरा लेक्चर जो उसमें दिया हुआ है, लोग देते हैं ना। तो ये जो है ना बैकवर्ड वॉकिंग, और इसका सबसे सुंदर तरीका बैकवर्ड वॉकिंग घर में करो, कमरे के अंदर करो, बाहर करो तो बिल्कुल समतल होना चाहिए। जहां उबर खाबर जमीन पर करोगे तो और दर्द बढ़ जाएगा, समझ में आ गई ना। इसमें सबसे बढ़िया जगह कौन सा होता है, हर घर में टीवी लगी हुई है, टीवी है ना, टीवी के बीच में स्पेस होता है ना, जगह होता है ना, तो इस दीवार से उस दीवार तक, उस दीवार से उस दीवार तक बैकवर्ड वॉकिंग करते रहो, और नजर टीवी पर रखो, और स्वामी जी कार्यक्रम 1 घंटा देख लो तो 1 घंटा हो जाएगा। कहां मन लगा रहेगा, कहां पर, टीवी में, तब पता ही नहीं चलेगा 1 घंटा कैसे कम कर लिया। लेकिन इससे एक घाटा होने वाला है। क्या घाटा होने वाला है कि भाई जिनके जो है ना, आप आगे चलते हो ना आगे की तरफ तो पीठ बिल्कुल सपाट होता है, और पीछे चलोगे तो पेट सपाट हो जाएगा। और पेट को बड़ा करने में हम कितने साल लगा देते हैं, तो कमी हो जाएगी तो उसकी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, कितनी मेहनत किए हो आप लोगों ने पेट को बड़ा करने में है? है? तो जिनको पेट जो ना अंदर करना है उनके लिए भी ये बहुत फायदा करेगा, क्योंकि आगे चलने से पीठ सपाट होता है, पीछे चलने से पेट सपाट हो जाएगा।